नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, यह कहना थोड़ा सा, जिस तेजी से बढ़े हैं और जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अगर उस हिसाब से कहा जाए तो इनके कीमतों में आग लग गई। जनता से सरकार यह चाहती है कितना राजस्व इकट्ठा हो, जनता से वो आखिर सरकार चाहती क्या है यह समझ में नहीं आता। जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उसका भार जनता के जेब पे पड़ रहा है, जनता त्रस्त है, जनता उस बोझ को ढो पाने में अपने आप को असहज महसूस कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़े ही हैं, साथ ही रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में चूल्हे तक बात आ गई है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार को परवाह क्यों नहीं है, हम इस पे भी बात करेंगे। और ऐसे में जब जनता कराह रही है तो विपक्ष क्या कर रहा है, हम इस पे भी बात करेंगे। हम बात इस पे भी करेंगे कि लोकतंत्र की नींव क्या है, आखिर जनता सरकार किस लिए चुनती है, और सरकार जो है का पहला कर्तव्य क्या होता है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में सरकार के खर्चे बढ़ गए थे और राजस्व की कमी हो गई थी, इसलिए सरकार तमाम टैक्स लगा करके राजस्व एकत्रित कर रही है, अपना कोष भर रही है। मैं पूछता हूं कि लॉकडाउन में अगर सरकार ने खर्चे ज्यादा कर दिए हैं तो लॉकडाउन में हमारी आम जनता जिनसे वो टैक्स ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर ले रहे हैं इतने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पर, वह जनता उस समय क्या दुगनी कमाई कर रही थी, उसका रोजगार छूट चुका था, सड़क पे आ गई थी, फैक्ट्रियां बंद थी, और सरकार के पास इतनी बद इंतजामी थी, ये पूरी दुनिया ने, पूरे भारत के लोगों ने देखा। लोग भूख से मर जाएं, इससे पहले वो अपने घर पहुंचना चाहते थे। क्या इंतजाम थे लॉकडाउन में, ये सबने देखा है। हालांकि वो त्रासदी थी, सरकार की मंशा पे मेरा कोई शक नहीं, और न ही लोगों के ऊपर हमारा कोई नाराजगी है कि उस समय उन्होंने सरकार की बातें नहीं मानी। कोई भी देखेगा कि अगर जो मैं भूख से तड़प रहा हूं, बिलबिला रहा हूं, हमारे पास रोजगार नहीं है, हो सकता है कि ये दुनिया छोड़ना पड़े, तो लोग यही सोचेंगे कि अपनी मातृभूमि पे जा करके अपने लोगों के बीच रह करके ऐसा क्यों ना हो। और वही मजदूरों ने किया, उस समय भारी संख्या में सड़कों पे निकल गए थे। क्या था उस समय, बेरोजगार हो गए थे, वो रोजगार विहीन हो गए थे और घर गए थे। कई लोगों की नौकरियां छूट गई थी, कंपनियां कटौती कर दी थी, उनको कंपनियों से बाहर निकाल दिया गया था, बेरोजगार हो गए थे, घर जाके बैठे थे। तो क्या उनके उस समय उनकी कमाई हो रही थी? और मैं पूछता हूं, उस समय सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो पैसे दिए थे,
उसमें आज एक गांव के कितने लोग रोजगार पाए हुए हैं, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता। आप गांव में जाइए, हर कोई व्यक्ति चाहे जिस पद पे हो उसका मूल कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है। वो गांव में जाए, पता करे हर नेता, हर वो व्यक्ति कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। वो गांव में जाए और देखे कि जिस उद्योगों की बात की जा रही थी और पैसे बांटे जा रहे थे उससे कितनों को रोजगार मिला है और कितने लोग सुखी हैं। अगर हम अपने जनता की आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो उस पर टैक्स का बोझ तो ना डालें। क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए कि पहले हम रोजगार के अवसर पैदा करें, लेकिन रोजगार के अवसर कितने पैदा हो रहे हैं यह सबको पता है। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, एक आम आदमी के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो खरीदारी क्या करेगा? आपके अर्थव्यवस्था को गति कैसे मिलेगी? और एक तो पैसे नहीं है और दूसरे आप पेट्रोल पे टैक्स लगा दीजिए, डीजल पे टैक्स लगा दीजिए, रसोई गैस पे के दाम बढ़ा दीजिए, ये सारी चीजें हैं और इतनी भारी संख्या में बढ़ा दीजिए कि आम जनता कराह उठे। ये कहां का न्याय है? मैं बता रहा हूं 2011-12 में $112 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल मिलता था और उस समय पैंसठ रुपए छिहत्तर पैसे पेट्रोल का मूल्य था। आज $67 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल का दाम है और प्रति लीटर पेट्रोल का दाम ₹89 है। क्यों है? सवाल सरकार से यही है, सरकार मनमानी रवैया अपना रही है, सरकार निरंकुश हो चुकी है, उसे जनता का दर्द समझ में नहीं आ रहा। और निरंकुश क्यों हो गई है? जैसा कि माना जाता है कि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, आज विपक्ष बिखरा हुआ है। वह सरकार के सामने टिक नहीं पाता या फिर विपक्ष जनता का विश्वास खो दिया है, विपक्ष ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है जिससे कि जनता उससे जुड़े, इसलिए आज विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह जनता को अपने साथ जोड़े और सरकार पर दबाव बनाए। क्योंकि राजनीति के विद्यार्थी ये जानते होंगे कि राजनीति में एक प्रेशर ग्रुप भी होता है और जब तक सरकार पर विपक्ष दबाव नहीं बना लेता, उसे डर नहीं होता, तब तक यह सरकार निरंकुश रहेगी। अच्छा मौका है विपक्ष के लिए, उसे गंवाना नहीं चाहिए और लोगों के साथ उनके दुख दर्द को समझना चाहिए और इस बात से सरकार को घेरना चाहिए, उसके कानों में पड़े तेल को निकालना चाहिए। आज सरकार क्या सोच रही है? जो हम निर्णय ले रहे हैं वो सही है। किसानों के बारे में कृषि बिल लेकर आई, किसानों को पसंद नहीं, फिर भी अड़ी हुई। चलिए मान लेते हैं कि आपकी बातें किसानों को समझ में नहीं आती हैं और कुछ लोगों ने उन्हें वर्गला दिया है और
आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनको समझाने में भी सक्षम नहीं हैं। आप उन्हें आज तक समझा नहीं पाए। आंदोलन अब तक जारी है, यानी कि आप अड़े हुए हैं अपनी हठ धर्मिता, राजसत्ता, सत्ता का हठ ही से कहते हैं। अगर सत्ता हठी हो जाए तो जनता की दुर्गति होना नियत हो जाता है। इसलिए हठी सत्ता से, जो हठी सत्ता है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जो जनता का दर्द ना समझ सके, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं। आज सरकार का रूप जो दिख रहा है वह हठी सत्ता का दिख रहा है, जिसमें जनता के लिए कोई स्थान नजर नहीं आता। ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह जनता की इन बातों को ध्यान में रखे और सरकार की ईंट से ईंट बजा दे, वरना यह हठी सत्ताधारी सरकार जनता के भावनाओं की कद्र नहीं करने वाली। आज विपक्ष के लिए भी मौका है सरकार को लताड़ने का, लेकिन विपक्ष भी कहीं नजर नहीं आता। यह हमारे आज लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। नमस्कार।